हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पोकेमोन है जो कि शायद से आप में से बहुत लोगों के पास नहीं होगा। इट्स नेम इज़ विक्टनी। सो गाइस, विक्टनी के बारे में बात करेंगे, कैसे मिलेगा पहली बात, उसके बाद हम लोग उसके क्या मूव सेट रखेंगे, क्या उसकी वीकनेस है गाइस। ठीक है, ये पोकेमोन बिल्कुल नया है गाइस, कुछ ही लोगों के पास, ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। तो अभी जैसे कि ये पोकेमोन कैसे मिलेगा, सबसे पहली बात तो ये है गाइस, तो इसकी एक रिसर्च आने वाली है गाइस। जैसे अपने म्यू की थी, मिल्टन की थी, वैसे विक्टनी की भी एक रिसर्च आने वाली है। उस रिसर्च से वो आप लोगों को मिल जाएगा और हर एक बंदे को डेफिनेटली मिलेगा गाइस। ठीक है, तो ये तो चल गया पता कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर मिल जाएगा तो उसके क्या मूव सेट होने चाहिए गाइस। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में एक बैटल खेल रखी है, तो वो बैटल आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा और आप बैटल पक्का देखना गाइस, वो बैटल पक्का देखना है। सो गाइज, ये है विक्टनी अपना, बहुत प्यारा पोकेमोन है गाइज। तो गाइज ये देखिए, छोटा सा है बट साइकिक और फायर टाइप पोकेमोन है गाइज। ठीक है, और इसके अटैक्स क्या होंगे गाइज, ये इसके बेस्ट मूव सेट है गाइज, कन्फ्यूजन, वी क्रिएट। अब वी क्रिएट एक फायर टाइप अटैक है गाइज। ठीक है, बहुत तगड़ा डैमेज है इसका और ये इतना जल्दी मतलब सामने आता है कि सामने वाला बंदा मतलब परेशान, ये क्या हो रहा है चच्चा। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा कैंडीज वेंडीज़ हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, एक इसका साइकिक अटैक भी खोल सकते हो गाइस, जिससे कि वायर टाइप पोकेमोन को भी दिक्कत होगी। तो ये हो गया इसके बेस्ट मूव सेट के बारे में। तो गाइस, विक्टनी को हम लोग क्यों यूज़ करें ग्रेट लीग में, उसके पीछे रीज़न गाइस ये है कि अगर आपके सामने स्टन फिस्क आ रहा है ग्लेरियन वाला, तो उसके लिए अच्छा स्कार मोरी तो गयो, सारे ग्रास टाइप पोकेमोन गए, सारे बग टाइप पोकेमोन गए, गैल्वेंचुला बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस, वो भी गया, क्योंकि जो वीक रेट जब पड़ेगा गाइस तो धजिया उड़ा देगा गाइस। तो भाई मैं तो यूज़ करने वाला हूँ, आप लोग वीडियो पक्का देखना गाइस। ठीक है, तो ये इसके बेस्ट मूव सेट और ये हो गया। बात करते हैं गाइस की वीकनेसेस क्या हैं। तो ये वीडियो में बहुत छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, ताकि आप लोग का भी मतलब एक्चुअल में क्या यार, मैं एक्चुअल में इसी की रिसर्च कर रहा था और ये कहीं मिल नहीं रहा था गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं वीकनेस के बारे में। तो फायर और साइकिक टाइप पोकेमोन, तो वीकनेस भी इसकी डबल होंगी गाइस। जैसे कि इसकी वीकनेस है भाई डार्क टाइप अटैक से दिक्कत होगी इसको, घोस्ट टाइप पोकेमोन से दिक्कत होगी, ग्राउंड टाइप से दिक्कत होगी, रॉक टाइप, वाटर टाइप। अब भाई कितने सारे इसमें वीकनेस आ गई, बट गाइस डरने की बात नहीं है, आप लोग ग्रेट लीग खेल रहे हो ठीक है, वहाँ सब चलता है। उसके बाद आता है रजिस्टिविटी, मतलब ये सुन लोगे तो मज़ा आ जाएगा। रजिस्टिविटी में गाइस सबसे ऊपर आता है आपका स्टील टाइप स्कार मोरी भैया। ठीक है, उसके बाद साइकिक टाइप में बहुत पोकेमोन है गाइस, बहुत ज़्यादा पोकेमोन है। उसके बाद आता है आपका आइस टाइप, भाई आइस अटैक में भी बहुत ज़्यादा पोकेमोन है, ग्रास तो मतलब पूरा भरा पड़ा है। फायर टाइप में ठीक ठाक है, फाइटिंग टाइप में आपका काफ़ी पोकेमोन है, और जो सबसे बढ़िया है वो है फेरी टाइप गाइस। अब होता ये है कि यार फेरी टाइप बहुत भरे पड़े हैं, आप ना ग्रेट लीग खेलो भाई टीमें ऐसी आती हैं कि मतलब फेरी लेके आ गए सबके सब। तो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, सारा कुछ मैं लिख दूंगा यहाँ पर, मैंने फटाफट बोल दिया गाइस। तो ये था भाई विक्टनी कैसे मिलेगी, रिसर्च आने वाली है, क्या इसके मूव सेट होंगे। ये देखो भाई स्क्रीन में सारे बेस्ट मूव सेट लिखे हुए हैं, बस एक साइकिक अटैक नहीं है। और उसके बाद क्या वीकनेस है वो भी बता दिया है, क्या रेजिस्टिविटी वो भी बता दिया गाइस। अब कोई भी डाउट हो तो बता देना गाइस, बाकी अगर आपको रेयर कैंडीज चाहिए तो रेयर कैंडीज कम है, सोर्स बता देता हूँ क्या क्या सोर्स हो सकते हैं उसके, कैसे रेयर कैंडीज मिल सकती है आपको, तो उसके लिए आई बटन चेक कर लेना। प्लस गाइस अगर आप चैनल पर भैया नया हो तो भैया अब वो बात बोलने वाली तो नहीं है, बट आप लोग इतना जिद करो तो बोल देता हूँ भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर करना चाहो तो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय। और अभी इसके बाद जस्ट वीडियो देख के जाना भाई, क्या मस्त खेला है व्यक्ति ने, अकेला है भाई, अकेले ने पेला है सबको। ठीक है गाइस, बाय बाय।